हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। और थोड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि मुझे सर्दी और जुकाम जैसा हो गया था। अभी भी मेरी आवाज़ तो अलग प्रकार की ही आ रही होगी। और अभी मूंगफली को थ्रेशर में से निकालनी है तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। पापा ने थ्रेशर और सब कुछ सामान खेत पे पहुँचा दिया है और मैं कॉलेज से अभी घर आया और अभी वहाँ पे निकल ही रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं खेत पे। खेत में पहुंच चुका हूं और थ्रेशर को स्टार्ट कर दिया है और मूंगफली को निकाल रहे हैं। और पापा वहाँ पे मूंगफली का जो चारा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जिसको हम भर कहते हैं उसको ट्रैक्टर में लाके यहाँ पे रख देता हूँ। आज मैं ट्रैक्टर चलाने वाला हूँ और कल मेरे मामा आने वाले हैं ट्रैक्टर चलाने शायद, क्योंकि आज थ्रेसर चलाने का कोई प्लान नहीं था, कल चलाना ही था, लेकिन पापा ने अचानक से प्लान कर दिया। मैं तो कॉलेज पे था और मुझे भी कॉल आया था पापा का कि हो सके उतना जल्दी आज ही थ्रेसर को स्टार्ट कर देना है, तो मैं भी जल्दी आ गया हूँ और अभी निकाल रहे हैं मूंगफली को। अभी ही स्टार्ट किया है। और थ्रेसर को स्टार्ट करने से पहले ये नारियल उधर दिया है। हर साल हम मूंगफली को जब थ्रेसर में से निकाल रहे हो तब श्रीफल नारियल उसको हम उधर दे ही है कि हमारा पाक अच्छा रहे, इसीलिए।
दिक्कत हो रही थी क्योंकि वीडियो शूटिंग भी मैं ही कर रहा था। है दूसरा दिन और अभी मूंगफली को थ्रेसर में से निकाल रहे हैं। कल आधी मूंगफली को निकाल दी थी, अब आधी बाकी है तो उसको निकाल रहे हैं। अभी मैं ट्रैक्टर से नीचे उतर गया हूँ और ट्रैक्टर अकेला चल रहा है। मूंगफली का सारा काम खत्म हो चुका है और मैंने ट्रैक्टर बाहर निकाल लिया है और मैं अभी घर ही निकलने वाला हूँ। और मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत दूसरे प्रकार की आ रही होगी क्योंकि सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई। थ्रेसर में मैं पीछे तो नहीं रहता, थ्रेसर में जब पीछे जहाँ से चारा निकलता है वहाँ पे रहते हैं तो जो उसमें से मिट्टी आती है तो वहाँ से रहते हैं तो वो भी बहुत दिक्कत वाला काम है। तो चलिए अब चलते हैं घर, और आज रात को भी बहुत काम मुझे ज़्यादा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।